नमस्कार, मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं टॉक विद तमन्ना। अंजुमन इस्लाम में आप सबका स्वागत है। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं अंजुमन इस्लाम के इतिहास के बारे में। अंजुमन इस्लाम 150 साल पुराना है। जी हां, इसे 150 साल हो चुका है। अंजुमन इस्लाम की नींव 1874 में रखी गई और इसका नेतृत्व किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय राष्ट्रीय केंद्र के तीसरे अध्यक्ष और मुंबई उच्च न्यायालय के पहले कार्यवाही भारतीय मुख्य न्यायाधीश डॉक्टर बद्रुद्दीन तैयबाजी ने किया था। मुस्लिम समुदाय को शिक्षा और सामाजिक प्रतिष्ठा में आगे देखने की इच्छा के साथ आज अंजुमन इस्लाम भारत का एक प्रमुख शैक्षिक समूह और सामाजिक संगठन है। अंजुमन इस्लाम शिक्षा में सर्वश्रेष्ठ एक महत्वपूर्ण अपनी भूमिका बना चुका है। 100 से अधिक संस्थाएं इनके अंतर्गत विकसित हो चुकी है। हालांकि इसकी शुरुआत एक स्कूल से शुरू हुई थी और आज इसमें प्री प्राइमरी स्कूल से लेकर संस्थात्मक और स्तर 80 से अधिक संस्थाएं हैं, जिसमें इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटिकल, यूनाइटेड मेडिकल कॉलेज, शिक्षा कॉलेज और अर्थशास्त्र कॉलेज, लॉ कॉलेज, लाखों इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं और अपनी छत्र छाया में विभिन्न समुदायों के 1.10 लाख से अधिक छात्रों की जरूरतों को पूरा करते हैं। आज की बात करें तो अंजुमन का मुख्य उद्देश्य विदेश में शैक्षिक सामाजिक सेवा संगठन बनने के लिए अपने आप को तैयार कर रहा है। अंजुमन ने नवी मुंबई में एक एकत्रित तकनीक परिषद स्थापित किया है, जिसमें इंजीनियरिंग, प्रबंध, फार्मेसी, वास्तुकला और कंप्यूटर अनुप्रयोग शामिल हैं। इसके साथ साथ विभिन्न प्रकार के माध्यम से समाज को कई सेवाएं और सुविधाएं प्रदान करते हैं। जी हां, 9 नवंबर 2023 को अंजुमन ने अपने 150 साल कंप्लीट कर लिए हैं। इसी में हम डॉक्टर जाहिर काजिर के साथ बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि ये 150 साल का जो संघर्ष था वो कैसा रहा और आगे की उनकी क्या नीतियां हैं। तो चलिए हम सीधा चलते हैं डॉक्टर साहब के पास और जानते हैं उनके आने वाले वक्त की क्या तैयारी है। देखिए, 150 साल जो मनाने जा रहे हैं, एक मौका है अंजुमन के लिए कि पूरे मुल्क को और मुल्क के बाहर भी कुछ तो बताना होगा कि तुमने क्या किया इतने सालों से। और एक ऐसा इदारा है जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले, एक साल पहले मुकम्मल हुआ और हमारे यहाँ फिलहाल 2 लाख बच्चे जो पास करके गए हैं, अलुमनाई जिसको कहा जाता है, वो दुनिया भर है, तो उनको भी जोड़ना है। तो ये एक अच्छा मौका है कि हम हमारे जितने अदारे हैं, अनकरीब 100 के करीब हो रहे अदारे अभी, तो हर एक इंस्टीट्यूशन को मौका दिया जाया है कि आप कुछ उस तरह के प्रोग्राम करें, लोगों तक आपकी बात पहुँचे आप क्या कर रहे हैं, तो जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अंजुमन के इंस्टीट्यूशन से फ़ायदा उठाएँ। और अंजुमन आज सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं लेकिन हिंदुस्तान के बाहर भी जा चुका है, बहुत बड़ी बात है। इंटरनेशनल लेवल पे अंजुमन के कोलैबोरेशन हो रहे हैं। एक दुनिया की नंबर 1 यूनिवर्सिटी मानी जाती है MIT, मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बॉस्टन US में, उसके साथ अंजुमन का कोलैबोरेशन हुआ, मिल के काम कर रहे हैं। ये है डॉक्टर जाहिर काजी, जिन्होंने हमें बताया कि आगे की उनकी क्या प्लानिंग है और इन 150 सालों में उन्होंने क्या क्या किया। वेल, ये आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स कर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं तमन्ना, टॉक विद तमन्ना से मुंबई और मुंबई के आसपास की खबरों के लिए देखते रहिए टॉक विद तमन्ना।